हेलो डे एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा समझते हैं कि भाई ई वोटिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो मेरे पास ये एक मेल आई है। अगर आप इस मेल की हेडिंग पढ़ें, इसमें लिखा है ई वोटिंग फॉर वोडाफोन आइडिया इक्विटी विल बी ओपन फ्रॉम 21 फरवरी 2023 सुबह 9 बजे से टू 24 फरवरी 2023 शाम को 5 बजे तक एंड मीटिंग ऑन 25 फरवरी 2023 शाम को 4 बजे। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है इसके 25 फरवरी शाम को 4 बजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है और ये ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर सेक्शन नंबर 108। 108 का नियम क्या कहता है कि आपको कम से कम 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा ई वोटिंग एक्सरसाइज करने के लिए और जिस दिन आपकी मीटिंग है उससे इमिडिएट पीछे शाम को 5 बजे तक आपको अपनी ई वोटिंग क्लोज करनी पड़ेगी। तो देखो 25 तारीख को इनकी मीटिंग है और इमिडिएटली एक दिन पहले शाम 24 तारीख को शाम को 5 बजे अपनी ई वोटिंग क्लोज कर देंगे। और मैंने क्या बोला, कम से कम 3 दिन के लिए ओपन रहना चाहिए। तो 21, 22, 23, 24 4 दिनों के लिए इन्होंने अपनी ई वोटिंग ओपन रख रखी है, यानी कि ये लॉ का कंप्लाइंस कर रहे हैं। ये मेल मेरे पास कहाँ से आई? ये मेल मेरे पास आती है CDSL से, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से, क्योंकि ये मेरा डिपॉजिटरी है। मैंने इसके पास अपना डीमैट ओपन करवा रखा है, मतलब इस डिपॉजिटरी के पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा रखा है। तो ये कह रहे हैं, डियर शेयर होल्डर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम CDSL, रिमाइंडर हम लोग भेज रहे हैं ई वोटिंग का, वोडाफोन आइडिया इक्विटी का। यहाँ पे ये बता रही हैं कि ई वोटिंग की डिटेल्स क्या है, ई वोटिंग कब कमेंस होगा, ई वोटिंग कब कंक्लूड होगा और मीटिंग एक्चुअल में कब होगी, लॉगिन आप कैसे करेंगे। यहाँ इन्होंने लिख दिया टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, लॉगिन का मेथड। तो क्योंकि मैं डीमैट मोड में हूँ विद CDSL, तो मैं चले जाऊँगा इस चीज़ के थ्रू। मैंने लिंक में क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना डीमैट अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ मुझे पैन नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैं सबमिट में क्लिक करूँगा मेरे पास अब एक OTP आएगा। चलिए जी OTP का वेट करते हैं। OTP आ चुका है, OTP मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। वेरीफाई करते हैं। चलिए जी ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब ये दिखा रहा है कि साहब कौन कौन सी कंपनीज की ई वोटिंग यहाँ पे चल रही है। जैसे अंबुजा सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट की भी ई वोटिंग चल रही है, ITC लिमिटेड की ई वोटिंग चल रही है, वोडाफोन आइडिया की भी चल रही है। तो हम वोडाफोन आइडिया में चलते हैं। ई वोटिंग यहाँ पे आ गया, ये मुझे कहाँ लेकर के चला गया, इसने मुझे NSDL में रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने ई वोटिंग फैसिलिटी के लिए NSDL की सर्विसेज ले रखी है। तो CDSL ने, मैं तो CDSL का कस्टमर हूँ ना, तो CDSL ने मुझे कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, NSDL के पोर्टल में। अब जब हम NSDL के पोर्टल में जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिख गया, तो E1 में मुझे क्लिक करना है। तो देखो ये बता रहा है कि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है इस कंपनी का वो ये है, कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वो और ये ई वोटिंग की स्टार्टिंग डेट बता दी, एंड डेट बता दी, रिजल्ट कब आएगा 27 फरवरी को आएगा, कट ऑफ डेट इन्होंने बता दी 18 फरवरी 2023, क्योंकि 18 फरवरी 2023 को मेरे पास इस कंपनी के शेयर थे, अभी भी हैं, तो मैं इस कंपनी में वोटिंग कर सकता हूँ। मेरी होल्डिंग कितनी है, 77 शेयर्स हैं। अभी क्या मैंने ई वोटिंग कर दी है? द आंसर इज नो, मैंने ई वोटिंग नहीं करी। तो आइए ई वोटिंग करते हैं। अब देखो अगेन यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन आ गया, ISIN डिस्क्रिप्शन, इवन रेजोल्यूशन फाइल। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे रेजोल्यूशन फाइल मतलब कि मुद्दा क्या है, किस चीज़ के ऊपर वोटिंग करनी है, तो ये रेजोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने दे रखा है। अगर मैं इसको डाउनलोड में क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये एक रेजोल्यूशन की यहाँ पर फाइल आ गई, ठीक है, कि भाई हम किस चीज़ के ऊपर आपसे वोटिंग मांग रहे हैं। तो इस शॉर्ट में भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, हम ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंशियल इशू हम ला रहे हैं अप टू 16,000 ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का, जिसकी फेस वैल्यू है 10 लाख ईच, टू बी इशूड एट पार,
एग्रीगेटिंग टू 1600 करोड़ रुपए ईच ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एट ए कन्वर्जन प्राइस ऑफ 10 ईच टू ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो जो ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, इनके एक वेंडर है। अब क्योंकि वेंडर को इन्होंने पेमेंट करनी थी, तो अभी वोडाफोन आइडिया के पास इतना कैश है नहीं, तो ये कह रहे हैं हम आपको ना डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। और ये कैसे डिबेंचर्स हैं? ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। तो देखते हैं भाई क्या किया जाए। अब मैं इसके फेवर में वोट डाल देता हूँ, आई एसेंट फॉर द रेजोल्यूशन। अभी आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया में रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ जो वोडाफोन आइडिया के ड्यूज बनते थे 16,000 करोड़ के, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, इन 16,000 करोड़ के बदले आप हमें वोडाफोन आइडिया में 33% का इक्विटी दे दो। तो अभी 33% की शेयर होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट ने एक कंडीशन भी रखी है कि जो वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर हैं, ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर हैं वो भी कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे। तो अभी बेसिकली क्या है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तो ये उसी कर्जे को, वेंडर का भी कर्जा है, बैंक्स को भी देना है, गवर्नमेंट को भी देना है, ठीक है। तो कंपनी बेसिकली रिवाइवल के प्रोसेस में है, देखते हैं इस कंपनी का क्या होगा। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, फेवर में वोट कर देते हैं और मैं कर देता हूँ इसको सबमिट, कंफर्म भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। कह रहे हैं वोट कास्ट सक्सेसफुली, क्लिक ऑन द प्रिंट बटन बिलो टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द करंट वोटिंग। देखते हैं क्या आता है। ठीक है जी, ये प्रिंट आ गया यहाँ पर। तो ये सिंपली आ गया कि भाई आई असेंटेड टू द रेजोल्यूशन, मैंने फेवर में वोट कर दिया, ठीक हो गई बात। अब जब 25 फरवरी को मीटिंग होगी, क्या मैं मीटिंग में दोबारा से वोट कास्ट कर पाऊंगा? दी आंसर इज नो। लेकिन क्या मैं मीटिंग को ज्वाइन कर पाऊंगा? दी आंसर इज यस। ठीक है, थैंक यू सो मच।